अविनाश ठाकरे एंकर। महाविकास अघाड़ी सरकार की गलत कार्यशैली के कारण ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण स्थगित हुआ है। अघाड़ी सरकार मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर समर्पित आयोग के जरिए रिपोर्ट तैयार कर ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण पुनर्स्थापित करे, अन्यथा माली महासंघ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। पारटसिंगा में माली महासंघ की महासंपर्क अभियान यात्रा के समापन पर खचाखच भरे अनुसुईया माता सभागृह में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए यह चेतावनी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे ने दी। उन्होंने कहा कि बांठिया आयोग की कार्यप्रणाली पर सर्वप्रथम माली महासंघ ने आपत्ति जताई थी। प्रत्येक जिले में इस संबंध में जन जागृति कर सरकार पर दबाव बनाकर घर घर जाकर सर्वेक्षण कर मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर रिपोर्ट तैयार करने की मांग की थी। आज सरकार घर घर जाकर ओबीसी का सर्वेक्षण कर जानकारी इकट्ठा कर रही है। संकल्प सभा में प्रदेश अध्यक्ष अरुण तीखे, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर नाना साहेब कांदलकर, पंचायत समिति सदस्य संजय डांगोरे, हेमलता सातपुरे, पारटसिंगा की सरपंच शुभांगी खरबड़े ने भी सरकार पर तीखे प्रहार किए। कार्यक्रम में रविन्द्र अम्बाडकर, डॉक्टर श्री कृष्ण गोडे, चंद्रकांत बोरकर, राजेश जवारकर, अलका सैनी, आरआर सैनी, ओम प्रकाश कुशवाहा, मुकुंद पोट दुखे, धनश्री पाटिल आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रस्ताविक जिला अध्यक्ष प्रमोद हत्ती ने किया संचालन, महिला अध्यक्ष रचना कनहेर और आभा प्रदर्शन जिला अध्यक्ष बालकृष्ण येनकर ने किया। नागपुर से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। संघर्षाची भूमिका अतिशय आवश्यक। आम्ही शेवटपर्यंत संघर्ष करणार आहे। माळी महासंघ वेळ आल्यावर लाखोचे मोर्चे घेऊन रस्त्यावर उतरायची आमची तयारी आहे। आणि सरकारला आमचा विचार आहे की ओबीसी मधला सर्वात मोठा घटक हा माळी आहे, त्यामुळे तुमच्या या चुकीच्या धोरणामुळे उद्या माळी समाज समजा दुर्लक्षित झाला राजकीय क्षेत्रातून, तर आम्ही तुम्हाला पळता भुई केल्याशिवाय सोडणार नाही। आम्ही शेवटपर्यंत संघर्ष करणार आहे। माळी महासंघ वेळ आल्यावर लाखोचे मोर्चे घेऊन रस्त्यावर उतरायची आमची तयारी आहे। आणि सरकारला आमचा विचार आहे की ओबीसी मधला सर्वात मोठा घटक हा माळी आहे, त्यामुळे तुमच्या या चुकीच्या धोरणामुळे उद्या माळी समाज समजा दुर्लक्षित झाला राजकीय क्षेत्रातून, तर आम्ही तुम्हाला पळता भुई केल्याशिवाय सोडणार नाही।